नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। और आज के इस लेक्चर में हम मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करेंट अफेयर्स के, उन सबको एनालिसिस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने अप्रैल महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब का एनालिसिस कर लिया था, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आज मई महीने का कर लेंगे और इसके बाद जो भी हमारा छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोज आएंगे वो वीकली पर आधारित होंगे, जैसे हमारा पहले सेशन चला करता था। और इसके अलावा जो नेशनल करेंट अफेयर आपका छोटा हुआ है, नेशनल और इंटरनेशनल, उसे भी हम मंथली वाइज में कवर कर लेंगे, उसके बाद वीकली स्टार्ट कर लेंगे। और पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो वीकली सेशन चलता है वो पूरी तरह से कंटिन्यू रहे, अब उसमें किसी प्रकार से कोई भी ब्रेक ना हो, अगर कोविड 19 का सिचुएशन ठीक रहा और अगर किसी प्रकार से कोई लॉकडाउन की स्थिति नहीं होती है। तो उम्मीद तो ऐसे ही करते हैं कि अब सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो पूरा आज का हमारा सेशन है पूरा मई महीने का होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप बेहतर तरीके से करंट अफेयर को प्रिपेयर करना चाहते हो तो। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलेगा, आपको ये मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो। इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में इसका लिंक पिन किया हुआ रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ रहता है। वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे के बाद आपको पीडीएफ यहां अपडेट करा दिया जाता है। ठीक, चलिए, सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एनालाइज किया था उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपको रिवाइज करने हैं। इसका आंसर आपको कहां, नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2021 के अवसर पर छत्तीसगढ़ को कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, रिवीजन बहुत मस्त होता है तो आंसर जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को पूरे भारत देश में हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग और अपग्रेड के लिए कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर जरूर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान के साथ कितने फसलों को और शामिल किया गया है इस स्कीम में। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर जरूर कीजिएगा। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना से रिलेटेड आज भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का एक एक करके एनालिसिस। तो शुरुआत में हम कुछ स्कीम्स देखते हैं जो मई के महीने में या तो शुरू हुआ या तो चर्चा में रहा। और स्कीम्स आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी, तो जितने भी स्कीम्स होते हैं उसे बहुत अच्छे से ब्रीफ में तैयार करके जाइएगा, चाहे वन डे एग्जाम में आप बैठ रहे हो चाहे मेंस एग्जाम में बैठ रहे हो। तो एक नया स्कीम शुरू किया गया है और इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। हालांकि इस योजना का नाम नया है लेकिन यह योजना नया नहीं है, यह योजना जो है पहले से ही चला आ रहा है, पहले चला करता था हरियर छत्तीसगढ़ के नाम से। उसके बाद इस वर्ष से उसी योजना को एक नए नाम से शुरू किया गया है और इसका जो पात्रता था या फिर जिस जो एलिजिबिलिटी थी इस स्कीम के वो भी कुछ चेंज हुए हैं जिसे हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, इस स्कीम को शुरू कब किया गया, 1 जून 2021 को, डेट याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है वन डे एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण कार्य को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए और इसी के उद्देश्य से 1 जून 2021 से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत एक जो सबसे बड़ा इस स्कीम में प्रोविजन रखा गया है कि अगर कोई किसान धान की खेती करता है और वर्ष 2020 और 21 के खरीफ वर्ष में अपने खेत में धान लगाया हो और अब वह किसान आने वाले खरीफ वर्ष में उसी खेत में अगर वृक्षारोपण करता है तो इस स्कीम के तहत आने वाले 3 सालों तक उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। क्लियर है, फिर से एक बार बता देता हूं, ऐसे धान के किसान जिन्होंने 2020 और 21 में अपने खेत में धान की खेती की हो और अब आने वाले 3 वर्षों तक अगर उसी खेत में वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, धान की फसल ना लगाकर, तो उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट का, इसे यहाँ पर वृक्षारोपण का जो ये स्कीम चलाया जा रहा है इसे भी प्रमोट किया जा सकेगा और अच्छे लेवल पर इसे पहुँचाया जा सकेगा।
वृक्षारोपण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, लोग प्रोत्साहित होंगे अगर उन्हें समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या सपोर्ट प्राइस मिलता है तो एक अच्छा स्टेप कह सकते हो। और ऐसा क्यों किया गया कि धान की फसल की जगह अगर वृक्षारोपण करते हैं तो देखिए आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो धान पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 2020 और 2021 में वो 1868 और 1888 है ए ग्रेड के लिए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कितने में खरीदती है 2500 रुपये पर क्विंटल में। इसके अलावा जो राशि बचती है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदान किया जाता है जो कि पिछले वर्ष से दिया जा रहा है। अब यहाँ पर धान की बम्पर खेती हो रही है छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा और छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत ज़्यादा खरीदना पड़ रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है। डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप मेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सको। अब बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए किसानों को अलग तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के स्टेप्स उठाए गए हैं। इस पर हम आगे भी विस्तार से राजीव गांधी किसान न्याय योजना में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है तो वृक्षारोपण को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना, एनवायरमेंट को बेहतर बनाना और इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक कौन कौन एलिजिबल होंगे तो सभी नागरिक होंगे निजी भूमि की उपलब्धता के अनुसार, जितने भी ग्राम पंचायत हैं वो भी एलिजिबल होंगे और यहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि अपने अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण करने के लिए ये सारे एलिजिबल होंगे और इस स्कीम के तहत इन लोगों को जो है स्टेट गवर्नमेंट अलग से प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। क्लियर, चलिए याद रखिएगा स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी एक स्कीम है और ये भी एक नया स्कीम शुरू किया गया है और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मेंस के लिए भी और आपका प्रीलिम्स के लिए भी। योजना का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। अनाउंस कब किया गया, 18 मई 2021 को अनाउंस किया गया है इस स्कीम को। क्लियर है, प्रोविजन क्या है इस स्कीम के, तो इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे बच्चे इनके माता पिता या फिर घर में जो भी कमाने वाले थे और जिनकी मृत्यु कोविड-19 की वजह से हो चुकी है, चाहे पिता की मृत्यु हो, अगर माता कमाने वाली हो तो अगर उनकी मृत्यु हो गई हो, या फिर उस घर में जो भी सदस्य थे जो इकलौता कमाने वाले थे अगर उनकी मृत्यु हो गई है कोविड-19 की वजह से और उस घर का जो बच्चा है वो पढ़ने के लिए एलिजिबल है यानी कि स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुका है, तो ऐसे बच्चों की जो शिक्षा का खर्चा है वो पूरी तरह से राज्य सरकार उठाएगी। राज्य सरकार के जो शासकीय शालाएं हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाया जा रहा है, अभी जितने शासकीय स्कूल्स हैं वहाँ पर इनको मुफ्त में शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तो इस स्कीम की एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता के बारे में आप याद रखिएगा, ये स्कीम क्या है, क्यों चलाया गया है इसके बारे में याद रखिएगा, किस प्रकार से बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, यहाँ पर स्कॉलरशिप भी इस स्कीम के तहत प्रदान किया जाएगा। ऐसे बच्चे जो कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं उनको प्रति माह 500 रुपये और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को प्रति माह 1000 रुपये का छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, अगर उनके माता पिता में से किसी एक का या फिर घर में जो कमाने वाले थे अगर उनका कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गया हो तब, ठीक है। और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऐसे बच्चों को एडमिशन के लिए प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। तो यह भी एक छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप कह सकते हो आप। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं और ख़ासकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और या फिर मध्यम वर्ग से नीचे के लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, छोटे बच्चे हैं उनके माता पिता कोविड-19 की वजह से उनका डेथ हो गया है, तो ऐसे बच्चों का आगे का एजुकेशन सिस्टम ख़राब ना हो तो अगर बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होता है तो एक अच्छा स्कीम आप इसे कह सकते हो। चलिए इसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, क्यों किया था, क्योंकि धान के अलावा 13 अन्य फसलों को इस स्कीम में शामिल किया गया था, तो उस बार हमने डिस्कस किया था, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, इस बार कुछ और इसमें चीज़ों को ऐड किया गया है। पहली बात तो ये ऐड किया गया कि 2020 और 2021 का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो प्रदान कर दिया गया है जो कि है 1500 करोड़ रुपए का। कब प्रदान किया गया, 21 मई 2021 को, और 21 मई 2020 को इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। राजीव गांधी
जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारत रत्न हैं, उनके शहादत दिवस के अवसर पर इस स्कीम को शुरू किया गया था। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था। और इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कुल यानी कि 2020 और 21 के लिए कितना राशि आवंटित किया जाएगा, 5,597 करोड़ रुपए 4 किस्तों में आवंटित किया जाना है धान के किसानों को। ठीक, चलिए इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जो प्रोविजंस थे उसमें कुछ बदलाव किया गया है, यानी कि संशोधन किया गया है। वो कैसे किया गया है, तो वर्ष 2020 और 21 यह खरीफ वर्ष और आने वाला जो खरीफ वर्ष होगा उसमें धान बेचने वाले किसानों को 9,000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दिया जाएगा। इससे पहले 10,000 दिया जा रहा था। कहने का मतलब है, जो मैंने आपको बताया कि 1868 नॉर्मल पैडी और 1888 ए ग्रेड का पैडी यानी कि धान, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट 2500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से धान खरीदती है। इसके ऊपर जो रेट आता है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को देती है, जो कि लगभग प्रति एकड़ 10,000 रुपए पड़ता है। लेकिन इस स्कीम में अमेंडमेंट किया गया है और अब प्रति एकड़ जो है 10,000 की जगह 9,000 रुपए ही दिया जाएगा। कारण क्या है, तो कारण मैं आपको बता चुका हूं। जब 2019 और 20 के लिए यही रकम दिया गया था तो लगभग 19 लाख किसानों को फायदा पहुंचा था, और इस वर्ष यानी कि 20 और 21 में जब धान की खरीदी की गई तो ये लाभार्थी किसानों की जो संख्या है वो पहुंच गई 22 लाख के पार। तो धान का उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा होने लगा, और किसी भी चीज़ का जब उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है डिमांड की अपेक्षा तो वो भी अच्छी बात नहीं होती है। तो इसीलिए जो है इसे कंट्रोल करने के लिए इसका रेट कम किया गया। अब यहाँ पर सरकार क्या कहती है कि यदि वर्ष 2020 और 21 में जिन किसानों ने धान का विक्रय किया था, यानी कि 2020-21 में उस खेत में अगर धान की रोपाई हुई और उसकी विक्री की गई, तो ये किसान 21 और 22 में धान के बदले उसी खेत में अगर कोई और फसल लगाते हैं तो उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपया दिया जाएगा। यानी कि उसी खेत में अगर धान की जगह कोई और खेती करते हो तो आपको 10,000 रुपया प्रति एकड़ दिया जाएगा। और पेड़ वाली बात तो मैंने बताया ही कि वृक्षारोपण के तहत उस खेत में अगर आप वृक्षारोपण करते हो उस स्कीम के तहत, तो आपको आने वाले 3 सालों तक के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपया दिया जाएगा। ये अगर राजीव गांधी की किसान न्याय योजना मेंस में आता है तो आपको इन अमेंडमेंट को लिखना है, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। डिटेल में इसलिए मैंने बताया क्योंकि यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ चीज़ों को आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। ये पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि अब प्रति एकड़ 9,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अगर धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान और अनफोर्टिफाइड धान की फसल लगाते हैं तो प्रति एकड़ 9,000 के स्थान पे 10,000 रुपये इनपुट सब्सिडी दिया जाएगा। और खरीफ वर्ष 2021-22 में धान के साथ ही खरीफ के सभी प्रमुख फसलों जैसे मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, गन्ना हो गया, कोदो कुटकी हो गया, इन सब पर 9,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दिया जाएगा। और कोदो कुटकी का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा वो 3,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से रहेगा। तो इतनी बातों को आप इस स्कीम के अंडर में ध्यान रखिएगा। और 13 फसलों को किस प्रकार से शामिल किया गया है धान के अलावा, वो हमने पिछले वीडियो में भी एनालिसिस किया था, यहाँ पर भी वो 13 फसल का नाम दिया हुआ है, तो याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है 1 डे एग्जाम के लिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे भी याद रखिएगा। कब शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है, बजट क्या था, इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण, यानी कि तेंदूपत्ता संग्रहण मुख्यतः 2 महीने में होता है, मई और जून का महीना संग्रहण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चालू वर्ष के दौरान 16,71,000 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी कि टारगेट ये है 16,71,000 मानक बोरा। टारगेट डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए टारगेट का जो नंबर है वो याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में साल 2021 में तेंदूपत्ता संग्रहण का जो दर है वो 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया, जो पिछले वर्ष था वो भी इस वर्ष है 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा, याद रखिएगा। और पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा जो तेंदूपत्ता संग्राहकों को आवंटित किया जाता है रकम वो छत्तीसगढ़ में ही है, 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा। ठीक है, और राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण के काम करने वाले करीब
13 लाख जो वनवासी हैं जो इनका संग्रहण करते हैं उनको सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। और मई और जून महीने में इन दो महीनों के भीतर संग्राहकों के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वो 668 करोड़ रुपए है। चलिए आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछले वर्ष आई थिंक 2019 या 20 में किस योजना की शुरुआत की गई थी। नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ के वनवासियों का इम्यूनिटी बूस्टर कोविड कवच। छत्तीसगढ़ के वनवासियों द्वारा इसे तैयार किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून को इसे पूरी दुनिया में भेंट के तौर पर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदान किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के वनवासियों द्वारा इसे तैयार किया गया है किसकी मदद से, तो ये किया गया है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ट्राइफेड की मदद से जो है वनवासियों द्वारा इस इम्यूनिटी बूस्टर कोविड कवच को तैयार किया गया है जिसे पूरी दुनिया में वितरित किया जाएगा। इस हैम्पर गिफ्ट में आंवला इमली कैंडी के साथ साथ चिरौंजी दाना आंवला पाचक ऑर्गेनिक बस्तर काजू शुद्ध शहद है ग्रीन टी है यानी कि आपके जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके कोविड 19 से आपको प्रोटेक्ट कर सके ऐसे हर्बल चीज़ों को जो है वो वनवासियों द्वारा तैयार किया गया है ट्राइफेड की मदद से। तो आपको जो नाम याद रखना है वो ये इम्यूनिटी बूस्टर कवच। आपसे वन डे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्राइफिट की मदद से छत्तीसगढ़ वनवासियों द्वारा तैयार किया गया इम्यूनिटी बूस्टर का नाम क्या था, तो उसका नाम था कोविड कवच, याद रखना है, क्लियर। चलिए अगला जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान का निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे वन डे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इनकी उम्र की बात करें तो ये 92 वर्ष के थे, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते थे और नवंबर 1929 में इनका जन्म हुआ था बिलासपुर के देवरी गांव में। और बद्रीनाथ दीवान जो है 70 के दशक से जो है वो राजनीति से जुड़े थे यानी कि 1970 के दशक में। अगर इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो 1997 में जनता पार्टी बिलासपुर के अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद 1980 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था तो भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष बने थे। 1999 में ये पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। और छत्तीसगढ़ जब से अलग राज्य बना है तब से ये विधानसभा के 3 बार सदस्य रह चुके हैं, बेलतरा क्षेत्र से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और विधानसभा में ये 2 बार उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पहली बार 2005 में किए गए थे और दूसरी बार 2015 में किए गए थे। अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 6 विधानसभा उपाध्यक्ष जो हैं वो नियुक्त हो चुके हैं। सबसे पहले विधानसभा उपाध्यक्ष नियुक्त कौन किए गए थे, बनवारी लाल अग्रवाल। और दूसरे विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो दूसरे विधानसभा उपाध्यक्ष थे आपके बद्रीधर दीवान। चलिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो मनोज सिंह मांडावी जो हैं अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है विधानसभा उपाध्यक्ष से संबंधित और बद्रीनाथ से संबंधित, क्लियर। चलिए अगला जो टॉपिक है बिलासपुर हाईकोर्ट का एक बार फिर से एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है, किसे, प्रशांत कुमार मिश्रा से। एक बार फिर से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2019 में जब अजय कुमार त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश का ट्रांसफर लोकपाल में किया गया था तो उस समय भी इन्हें एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था। उसके बाद ही रामचंद्र मेनन जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। अब 31 मई को रामचंद्र मेनन रिटायर हो चुके हैं तो उनकी जगह पे एक बार फिर से राष्ट्रपति द्वारा जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये छत्तीसगढ़ के ही मूल निवासी हैं, ठीक है। तो चलिए वर्तमान चीफ जस्टिस जैसे मैंने बताया पीआर रामचंद्र मेनन का 31 मई को रिटायर हो चुके हैं और करीब 2 साल पहले भी इन्हें चीफ जस्टिस बनाया जा चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट यानी कि बिलासपुर हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। और बिलासपुर हाईकोर्ट जो है यानी कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भारत का कौन सा हाईकोर्ट है, तो 19वां हाईकोर्ट है।
इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रख लीजिएगा कि हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, इनको कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है, यानी कि कौन से आर्टिकल में प्रोविजन किया गया है, आर्टिकल 217 में इसका प्रोविजन किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वर्तमान समय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, यह भी याद रखिएगा। तो कुल न्यायाधीशों की संख्या अभी 14 है, रामचंद्र मेनन जी के रिटायरमेंट के बाद, इससे पहले 15 था, तो ये भी आपको याद रखना है। और चीफ जस्टिस ऑफ यानी कि हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, किसके रिकमेंडेशन के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और स्टेट के गवर्नर के रिकमेंडेशन के बाद जो है प्रेसिडेंट उस स्टेट के यानी कि उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। क्लियर। चलिए अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में मेडिकल क्षेत्र में उत्पादन सर्वाधिक प्रोत्साहन की पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है। कहने का मतलब ये है, ये आपका वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन आप मेंस के एग्जामिनेशन में इसका वैल्यू एडिशन कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू है, कौन सा, 2019 और 24, और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो है सर्वाधिक प्रोत्साहन की पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है। अगर छत्तीसगढ़ में कोई मेडिकल उत्पादक होता है, तो यानी कि मेडिकल सप्लाई से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में होता है, तो उसे इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा इस स्कीम के तहत, यानी कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्कीम के तहत। तो इसमें अगर पीपीई किट हो गया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, जिस प्रकार से अभी देश में ऑक्सीजन की कमी हुई, इसके बाद इसके मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को भी बढ़ाया गया, तो अगर छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से मेडिकल इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है या फिर कोई फैक्ट्रीज डाला जाता है, तो इस स्कीम के तहत यानी कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत यहाँ पर स्पेशल प्रोत्साहन राशि यानी कि इंसेंटिव और बहुत सारे छूट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से दिए जाएंगे। तो इसीलिए जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, और मेडिकल क्षेत्र के उत्पाद को जो है प्रोत्साहन यानी कि विशेष प्रोत्साहन पात्रता वाली श्रेणी में रखा गया है। चलिए इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है जोकर बटरफ्लाई से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ में इसकी खोज की गई है, इससे पहले इस प्रकार के तितली जो है 8 राज्यों में भारत के पाए जाते थे और छत्तीसगढ़ जो है 9वां राज्य है। तो इस तितली की खास बात क्या है, तो देश में तितलियों की बहुत सारी चुनिंदा प्रजातियां हैं जिसमें से बहुत सारे विलुप्त होने की कगार पे हैं, और इनमें से एक है जोकर बटरफ्लाई जो कि हाल ही में दुर्ग के चरूदा में इसे देखा गया है, और देश में अब तक 8 राज्यों में इस प्रजाति को देखा गया है, और इसके लिए अनुकूल स्थानों में अब छत्तीसगढ़ राज्य भी है। और स्पॉटेड जोकर बटरफ्लाई यानी कि इस तितली का वैज्ञानिक नाम भी आप याद रखिएगा, तो बाइबिलिया इलिथिया इसका वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। और छत्तीसगढ़ के अलावा और कौन से 8 राज्य हैं जहां पर यह तितली पाई जाती है, तो 8 राज्यों का नाम इस प्रकार से है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, गुजरात है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश व राजस्थान। तो याद रखिएगा कौन सी तितली जोकर बटरफ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है। चलिए आज के इस डिस्कशन का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है, रायगढ़ में एक किंगा गांव है और वहीं पर एक पर्वत भी है जिसका नाम है किंगा पहाड़, और दावा ऐसा किया जा रहा है उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा, और ये भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकार भी ऐसा दावा करे कि इसी पहाड़ पर हनुमान जी का जन्म स्थल है, यानी कि यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। पहले से भी यहाँ पर 2 राज्यों के बीच में विवाद है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन 2 राज्यों के द्वारा भी कहा जाता है अलग अलग सोर्सेस के आधार पे कि हनुमान जी का जो जन्म है वो यहाँ हुआ है, दोनों राज्यों की तरफ से कहा जाता है, और अब इसमें छत्तीसगढ़ ने भी अपना दावा किया है। और छत्तीसगढ़ का दावा है कि रायगढ़ मुख्यालय से 140 किलोमीटर दूर किंगा गांव के पास किंगा पहाड़ असल में हनुमान जी का जन्म स्थल है, और रामायण काल के समय में यह जो किंगा पहाड़ है वो किष्किंधा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अपभ्रंश की वजह से यानी कि नेचर चेंज की वजह से अब यह किंगा हो गया है और इसका नाम किंगा है, और यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो अगर आपसे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार यानी कि छत्तीसगढ़ में जो दावा किया जा रहा है हनुमान जी का जन्म स्थल वो कौन से जिले में स्थित है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतने कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना है। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतने ही टॉपिक्स, लगभग 10 से 11 टॉपिक्स थे, और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिया जाएगा 24 घंटे के बाद। तो अगर अभी तक आपने
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। उससे पहले आप टेलीग्राम ऐप जो आता है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को समस्या आता है, जुड़ नहीं पाते हैं, तो पहले आपको टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद उस लिंक को क्लिक करना है। क्लियर है? और किसी भी तरह से कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।